क्रिएटिविटी स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग की इस क्लास में हम देख रहे थे गूगल ड्राइव के बारे में, जिसे गूगल डॉक देख रहे थे, गूगल शीट देख रहे थे। आज गूगल स्लाइड और गूगल फॉर्म सीखेंगे आज की क्लास में, ठीक है? तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले गूगल क्लास पे गए और ड्राइव पे क्लिक करो। ठीक है, करेक्ट बन गया वही सब आ रहा है। ठीक चलिए, अब क्या करना है आपको, इस प्लस पे जाना है। तो गूगल डॉक, गूगल सीट हो गया था, गूगल स्लाइड की बारे। गूगल स्लाइड का मतलब वही पावर पॉइंट जो जानते हैं आप लोग, मतलब अगर आपके सिस्टम में एमएस ऑफिस की चीजें नहीं है तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, नई स्लाइड लेने की नॉर्मल शॉर्टकट की वही जैसा आप लोग करते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, न्यू स्लाइड कंट्रोल यम से ही वहां भी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी स्लाइड है, पता ही आप लोगों को। इसमें आप कोई भी चीज टाइप करेंगे तो चीजें टाइप होंगी और डायरेक्टली वो आपके ड्राइव में सेव होती जाती है। क्या होती जाती है, सेव। दो वर्ड इसमें आते हैं अक्सर, आपने देखा होगा, ट्रांजिशन और एनिमेशन का नाम आता है। क्या आता है, ट्रांजिशन और एनिमेशन। कोई पूछेगा ट्रांजिशन कहाँ लगता है, एनिमेशन कहाँ लगता है, तो क्या कहेंगे आप बताइए। ट्रांजिशन कहाँ लगता है, एनिमेशन कहाँ लगता है, बताइए। बताइए भाई, देखिए तो याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, जो ट्रांजिशन होता है वो स्लाइड पे लगता है और जो एनिमेशन होता है वो ऑब्जेक्ट पे। लिखिए इस बात को। बात में करिए, लिखिए जल्दी। एनिमेशन लगता है क्या, ट्रांजिशन स्लाइड पे और एनिमेशन ऑब्जेक्ट। जो ट्रांजिशन होता है वो स्लाइड पे लगता है और एनिमेशन जो होता है वो ऑब्जेक्ट। हो गया क्या, आगे चले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कोई भी चीज लगाना है तो लगा लीजिए और जैसे कुछ भी टाइप करके मैंने लिख दिया जी आई टी, और हम चाहते हैं इस पे कुछ लगाना होगा ना तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस स्लाइड से वगैरह दिया हुआ है इंसर्ट में आगे, और ये रहा एनिमेशन पे, एनिमेशन खुल के आ जाएगा आपके सामने। एनिमेशन पे अपेयर करेंगे जो भी है, अभी तो कुछ लगा नहीं, नन है। अपेयर करना है फ्लाई हाइट टॉप डिस अपीयर, जो भी लगाना हो, जूम आउट जूम इन फ्लाई आउट टू लेफ्ट, और जैसे ही अप्लाई करेंगे और स्लो फास्ट जो भी करना होगा आप लोग स्लो फास्ट कर लीजिए। देख रहे हैं, चला गया ना उधर, आ गया। जैसे ही अप्लाई करेंगे अप्लाई होगा और क्लिक करेंगे तो देखिए जी आई टी की तरह चला जाएगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा, देख रहे हैं ना। तो ये सारे एनिमेशन वगैरह होते हैं, हम नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, हट जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे आप, उसे सेलेक्ट करेंगे और उसके यहाँ से डिलीट कर देंगे, जो एनिमेशन लगाया वो कट जाएगा। ऐसे ट्रांजिशन वगैरह रखते हैं, ठीक है। सारे पावर पॉइंट सिस्टम है, वर्ड आर्ट हो गया, टेक्स इमेज हो गया, वीडियोस हो गए, ऑडियो हो गए, साइड पे ऑडियो लगाना है, सारी चीजें वही नॉर्मल वाली है। जैसे अगर ऑडियो वगैरह लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे लगा सकते हैं, आप ड्राइव में तो ड्राइव से या फिर सिस्टम से जो भी लगाना लगा लीजिए।
है, कोई दिक्कत है तो ये पावर पॉइंट वाला काम आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बताने, सब पावर पॉइंट में आप लोग पढ़े होंगे। नहीं आएगा तो पूछिएगा, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत। ये ट्रांजिशन है, वहाँ एनिमेशन था, ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन स्लाइड पे अप्लाई होता है। वैसे यहाँ ट्रांजिशन ले लिया, स्लाइड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अप्लाई टू आस राइट पर लिया, और कंट्रोल ये फाइव से शो कराते हैं यहाँ पे। एक ही स्लाइड है क्योंकि पता नहीं चलेगा, और स्लाइड रहेगी तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। कुछ क्या होगा, सिलेक्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, डिजॉल्व केट स्लाइड फ्रॉम राइट क्यू, देयर क्यू जैसे हो गया, अप्लाई टू आस, और क्या करिए, प्ले कर दीजिए, देख रहे हैं क्यों बेटा है। तो ये होता है ट्रांजिशन जो होते हैं वो स्लाइड पे लगते हैं, एनिमेशन जो लगते हैं आप देखते हैं, सारी चीजें बनी, ये सारी चीजें सेव होती जाएंगी आपके ड्राइव में। जो चीज आपको चाहिए होगा वो आप ले लीजिएगा यहाँ से। स्लाइड को डिलीट करना, तो डिलीट कर लीजिएगा, सिलेक्ट किया स्लाइड पे गए और क्या करिए, डिलीट करिए स्लाइड, डिलीट डिलीट हो जाएगा, कोई दिक्कत, कर लेंगे आप लोग। चलिए अगला है जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो क्या है, माई ड्राइव में ही आप जो प्लस में क्लिक करेंगे तो यहाँ दिया है गूगल फॉर्म। क्या है, आप चाहें तो फॉर्म बना सकते हैं यहाँ पे, फॉर्म वगैरह, ताकि लोग उसका भरे, जितने होते फॉर्म बना दे और हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जितने बच्चे भरेंगे अपना डाटा भरेंगे, फिर बाद में उनको कन्विंस कराएंगे, एग्री कराएंगे एडमिशन कराने के लिए, या फिर जो भी चीज। तो यहाँ लिखा हुआ अनटाइटल, यहाँ लिख दिया हमने, लिख दिया GIT एडमिशन फॉर्म, GIT एडमिशन फॉर्म लिख दिया, और मैंने सेलेक्ट करके इसको बोल्ड इटैलिक जो भी करना हो बोल्ड कर लीजिए, इटैलिक करना है तो इटैलिक कर लीजिए, सब हो गया। और अब हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखा लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, पहला क्वेश्चन हम कर देते हैं कि स्टूडेंट नेम क्या रहेगा, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर कोई फॉर्म भर रहे हैं तो स्टूडेंट नेम मैंडेटरी है कि नहीं है, अनिवार्य है कि नहीं है, बताइए, अनिवार्य है ना, तो उस पे नहीं होता है, देखते हैं कई ऑप्शन पर रेड स्टार बना होता है, मतलब वो स्टार वाला क्वेश्चन करना ही करना है, उसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। तो हमने इसको क्या कर दिया, पूछा स्टूडेंट नेम किसमें आंसर देंगे आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नहीं, शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट आंसर होगा, और उसको मैंने कह दिया रिक्वायर्ड यानी जरूरी है, बिना नाम के फॉर्म नहीं भर सकते। प्लस पे क्लिक किए, दूसरा आ गया, दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, फादर्स नेम नहीं, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, फादर्स अरे यहाँ यहाँ लगा देंगे, ठीक है, कुछ फादर्स नेम, और यहाँ भी शॉर्ट आंसर ही कर दिए, शॉर्ट आंसर, और इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया। लास्ट पे क्लिक करिए, अगला क्या रहेगा, मदर्स नेम, क्या रहेगा, मदर्स, और यहाँ भी क्या कर लिए, शॉर्ट आंसर ही कर लिए, इसको भी थोड़ा सा बोल्ड आउट कर लिए, ठीक है, शॉर्ट आंसर ही रहते हैं, और इसको भी रिक्वायर्ड कर दिए, मतलब जरूरी है, बिना इसके बिना काम नहीं होगा। प्लस करिए, फादर्स नेम कोर्स, उसका क्या लीजिएगा, ADDDARE, एड्रेस कर दिया, उसको भी क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया है, शॉर्ट आंसर ही कर दीजिए, मतलब जैसा चाहिए होगा वैसा आप कर लीजिएगा, शॉर्ट आंसर ले लिया और रिक्वायर्ड कर दीजिए, और थोड़ा नीचे आया, प्लस पे क्लिक करिए। अब एड्रेस के बाद से क्या हो जाए, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है ना, देखिए बोल्ड किया, और इसका भी स्टार्ट शॉर्ट आंसर में, प्लस पे क्लिक किया और एक और आ गया, मोबाइल नंबर के बाद क्या लिख दिया जाए, कोर्स, कोर्स भी तो जरूरी है ना, COURSE, तो कोर्स में क्या होगा, मल्टीपल चॉइस कर लिया जाए, क्योंकि कोर्स के लिए तो बहुत सारी चॉइस हमारे पास ना, ऑप्शन ए ऑप्शन रहेगा पहला, वो ही हम ऑफिस मैनेजमेंट, क्या लिख दिया जाए, वो ही हम ऑफिस मैनेजमेंट, ऑप्शन टू क्या रहेगा, ट्रिपल सी, ऑप्शन सी क्या उसका क्या रहेगा, टैली प्राइम, उसका क्या रहेगा, टी एफ ए, उसका क्या रहेगा, ए डी एफ, उसके बाद डी सी ए, उसके बाद ए डी सी, रहने दिया इतना ही,
रहने के बाद इसको भी क्या कर दिया जाएगा, रिक्वायर्ड कर दिया, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, मतलब इसको भी सिलेक्ट करना ही करना है एडमिशन के टाइम। फिर प्लस कर लिया, या हमारे ये ले लिया ब्लड ग्रुप, क्या ले लिया, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप सबको थोड़ी नहीं पता होता है, तो मान लो जरूरी है, अगर पता है तो आप डाल पहली लीजिए बार फॉर्म में, ब्लड ग्रुप नहीं आता है। देखो इसे पिक्चर लगा सकते हैं आप लोग, पिक्चर कोई लगाना है तो भी लग जाएगा, इसलिए दे रहा है। अब इसको भी मैंने सिलेक्ट करके क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटली कर दिया। पिक्चर यहाँ से पिक्चर लगा लेंगे, आपको कोई पिक्चर लगाना है तो ठीक है, ब्राउज कर लीजिएगा कहाँ है आपको, ठीक है, डेस्कटॉप वगैरह जो भी जहाँ भी होगा लेके। क्या देखना पिक्चर लग जाएगा, देख क्या लो ना, यह लग गया ना, हटाना तो कर लीजिए। अब ऑप्शन वन में यहाँ क्या लिए हैं, ब्लड ग्रुप लिए ना, इसको हटा दिया जाए, हटा दें इसको, रिमूव कर दें, रिमूव कर देना, ब्लड ग्रुप में उसे थोड़ी रहेगा। ऑप्शन ए में ले लिया मैंने, ए पॉजिटिव, उसके बाद ए नेगेटिव, उसके बाद ठीक बी पॉजिटिव, उसके बाद बी नेगेटिव, उसके बाद ए बी पॉजिटिव, उसके बाद ए बी नेगेटिव, उसके बाद से ओ पॉजिटिव, उसके बाद से ओ नेगेटिव। अच्छा, ब्लड ग्रुप इम्पोर्टेंट नहीं है ना, इसलिए मैं रिक्वायर्ड वाला ऑन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस कर दिया। और कोई और कुछ ऐड करना है, कोर्स हो ही गया, ब्लड ग्रुप हो गया, और क्या कर लिया जाए, ईमेल आईडी कर दे, हाँ ठीक कोई दिक्कत नहीं, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी के लिए भी शॉर्ट आंसर भी डाल दिया जाए। और डालने के बाद से क्या कर दिया हमने, सब हो गया लगभग, इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया। और सब होने के बाद क्या करेंगे आप, उसको सेंड कर, किसी से शेयर कर देंगे। फॉन्ट में डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया जीआईटी है तो रोजगार, ठीक है, और क्या कर दिया हमने करने के बाद से, हाँ, और यहाँ पर प्रीव्यू चेक कर लेंगे कि हमारे फॉर्म का प्रीव्यू कैसा आएगा, देख लीजिए ऐसा ही आएगा। लेकिन स्टार बन रहा है, इसी तो फॉर्म बनाया जाता है, ये फॉर्म बन रहा है जिसमें स्टार बना वो मैंडेटरी है, जिसमें स्टार नहीं है वो मैंडेटरी नहीं है, देखिए देख रहे ना। तो हम आ गए इस पे और उसको हमने सेंड कर दिया, कहाँ, आप लोग भरेंगे और मुझे आएगा रिस्पॉन्स, कोई आईडी बताइए, हाँ, ठीक NS9544 ठीक है। और मैंने इसको क्या कर दिया, सेंड कर दिया, देखिए चला गया होगा। चलिए बताइए राम कुमार, आपको भी भेजें, राम कुमार 3 99 ठीक है, उसको भी क्या कर दिया। अब फॉर्म गया होगा, आप लोग देखिए उस फॉर्म को भरिए, जाएगा जाएगा, थोड़ा टाइम ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम भी एक भर दे रहे हैं किसी का, यहाँ पे आके यहाँ पे प्रीव्यू पे, और यहाँ मैंने भर दिया किसी के बच्चे का नाम, जैसे किसी का भर दे प्रदीप, तो आएगा आएगा, प्रदीप पिताजी का नाम मिस्टर, सत्य हाँ नारायण सत्यनारायण मार खाएगा बदतमीजी बात करेगा, सत्यनारायण प्रसाद, PRASAD, माता जी का नाम मिसेस, एड्रेस आपका बंद, आप
खड्डा रोड पे है, ग्राम रोड। तो खड्डा ठीक है, मोबाइल नंबर बता दीजिए, मालूम मोबाइल नंबर कुछ भी डालिए। ठीक है, कोर्स क्या रहेगा आपका? एडीसी। बड़ा ग्रुप आपको पता ही नहीं है, छोड़िए, ईमेल आईडी बता दीजिए। प्रदीप, गौतम, छानवे, 21। तुम्हारे नहीं पे आए राम कौर? जल्दी नहीं आएगा, अभी आएगा। जल्दी नहीं, उससे भी आ जाएगा, पढ़ाए ना। और ये यहाँ सबमिट हो गया ना, तो तुरंत हमारे पास एक रिस्पांस में आ जाएगा। देखिए आप सामने जो फॉर्म आप क्रिएट किए हैं, ये एक रिस्पांस में आ जाएगा। रिस्पांस देखिए, देखिए एक आ गया रिस्पांस मेरे पास, किस नाम से? प्रदीप गौतम नाम से। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं आराम से, देखिए पूरा डिटेल, प्रदीप गौतम का पूरा डिटेल आ गया। आप चाहें तो इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिंक टू शीट पे क्लिक करिए, क्रिएट न्यू। हाँ क्रिएट कर दीजिए नया। आप लोगों का नेट चल नहीं रहा है सही से, नेट की दिक्कत है, क्योंकि अभी तो फॉर्म ही पढ़ा है। आया एक बार, कौन सा कंपनी है? जियो है। एक बार नाइन नंबर डायल कर लीजिए, 5 6 9 7 8 ऐसे करके, 5 6 7 8 9 करके होल्ड कर लीजिए, अभी आएगा। देखिए तो इनका पूरा डिटेल आ गया, ये कब फॉर्म भरे हैं, जो भी है, 2:23 16:32 पे। उनका नाम क्या है, इनके पिताजी का नाम क्या है, माता जी का क्या नाम है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कोर्स क्या है, पूरा कंप्लीट डिटेल इनका आ गया है पूरे। ठीक है, ब्लड ग्रुप नहीं भरे तो खाली दिखा रहे। छोटू वाला भी आपको लगा देते हैं, हाँ छोटू वाला है। फोटो वाला, फोटो प्लस में क्लिक कर दिया जाएगा। क्या क्या लगा दे फोटो? तो फोटो के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? हाँ थोड़ा ये लोडे चल रहा है, फोटो पे क्या ले लिया जाए? और फोटो पे ले लिया जाए, यहाँ पे फाइल अपलोड वाला ले लिया जाए। ठीक है, और इसको भी क्या कर दिया, मैंडेटरी कर देना। ठीक इसके नीचे वाला होना चाहिए आ गया फोटो वाला जी। और अपलोड हो गया, फाइल अपलोड कर लीजिएगा। एका दिया है साइज का, मैक्सिमम फाइल 1, मैक्सिमम 10 MB। ठीक है ना, कैसा था ये? पीडीएफ फोटो इमेज इमेज और रिक्वायर कर लिया। जो भी होगा समझेगा ना आप लोग। और उसको भी आप फिर से अब तो प्रीव्यू देखेंगे। ये फोटो का भी ऑप्शन आ गया है, ऐड फाइल में क्लिक करेंगे, फॉर्म पे फोटो भी लग जाएगा। देख रहा हूँ ना, मजेदार चीज है, फोटो कहाँ लगाना, ब्राउज कर लीजिए। इस फोटो बस परेशान हो गया सब, और फिर से वही नाम डाल दिया जाए, स्टूडेंट नेम में मान लीजिए कुछ भी हो गया, सार के फादर सन में एम के आर के एड्रेस में एरियल वाल नंबर में। पेटीएम ठीक है, और क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। अब रिस्पांस में दिखाएगा सर, आ जाएंगे रिस्पांस में, आ जाएंगे यहाँ पे दो फोटो आपका।
तो प्रदीप गौतम का एक है सारी सर्वे करके। हाँ कर रहा हूँ, अच्छा जो ये रहा वो फोल्डर बिना सेव, पूरा डेटा फोटो के टाइम नहीं आएगा इसका जिक्र। हम ये फोटो कैसा आ रहा है, लिंक जैसा आएगा एक्सेल में, तो लिंक ही जैसा आएगा ना। यहाँ पे क्या कर लिया, उन फोल्डर करें देखो, फोल्डर में दिखा रहा है, समझ रहे ना बात। ऐसे आप फोटो जितने लोग करेंगे उतना रिस्पांस में दिखाएगा। दो रिस्पांस आया है, प्रदीप का एक एस आर भी ना। तो ऐसे आप क्या करना है, आज आज की क्लास में आपको गूगल फॉर्म बनाना है। गूगल स्लाइड का यूज करना है, गूगल फॉर्म आज खत्म हो गए। अब कलम पढ़ेंगे क्या, वो वन ड्राइव पढ़ेंगे, उसका परसों से स्टार्ट करेंगे एम एस एक्सेस। समझ में आ गया आप लोगों ना, यही काम आज करना है। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फोटो के लिए टेक्स्ट तो लेंगे नहीं, फोटो के लिए क्या लेना है, फाइल अपलोड लेना है, मतलब सारी चीजें यहाँ मौजूद हैं। किसके लिए क्या लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, देख रहे हैं ना। डेट एंड टाइम, मतलब अभी यहाँ पे एक और चीज जोड़ देते हैं, डेट ऑफ बर्थ जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेते हैं, प्लस बुक ली, मतलब यहाँ लिख देते डीओबी, क्या लिख देते, मतलब अच्छा कर डीओबी, डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ। इसके लिए क्या लेते हैं यहाँ पे, शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे, अच्छा यहाँ कैलेंडर तुरंत बन गया। अब देखिए तो इसको, अब इसको प्रीव्यू चेक करिए, अब एक और ऑप्शन बढ़ गया होगा, डी ओ डेटा बर्थ सेलेक्ट करिए यहाँ से। हाँ तो गरीब बात ना, सब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैसे क्या लेंगे वो आप ही जानते हैं ना। नहीं नहीं सेव होता रहता है, सेव होता रहे। सारी चीज कहाँ मिलेंगे आपको, ये करना मिलेंगे आपकी माई ड्राइव में आएंगे। एक बार रिफ्रेश करिएगा F5 से, होगा। नहीं, पढ़ाया हूँ लेकिन क्या बताया, वो सब पढ़ते नहीं, लेकिन सारा जितना बनाया सब यहीं सेव हुआ ड्राइव। इस पर राइट क्लिक करिए, अच्छा आपके ड्राइव में हो, यहाँ डिलीट करना है डिलीट कर दीजिएगा। है आपसे बहुत हैंग कर रहा है, देखिए रिमूव का ऑप्शन दे रहा है यार, ये रहा, कर लेंगे ना आज की क्लास में, यही करना है। फाइनली आपका गूगल ड्राइव वाला ये चले। हाँ एक और चीज देख लीजिए आप, कि आप चाहें तो इससे लाइव मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं, कहीं से पता है वो, इसके लिए ऑप्शन दिया है यहाँ गूगल मीट का, किसका, ये गूगल रहा। भी ग्रुप हाँ ही से क्या, ग्रुप हाँ, अब देखिए न्यू मीटिंग पे क्लिक करेंगे, पूछेगा मीटिंग कब के लिए बनानी है। हमने कहा स्टार्ट इंस्टेंट मीटिंग, ये तब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आप चाहें तो क्लास वास ले सकते हैं। अब एक लिंक जनरेट होगा, वही लिंक सबको भेज देना है, से बस उसी से जनरेट। पढ़ाने के बाद छोड़ देंगे तो रिकॉर्डिंग क्लास जाएगा, इसे दिखाया ना सर। बिल्कुल हो गया, इसे ऐड करेंगे। अब इसको लिंक की कॉपी करेंगे, लिंक कॉपी हो गया, लिंक कॉपी करने के बाद आ जाइएगा मैसेज वाले पे, मैसेज वाले सेक्शन में आने के बाद ये लिंक सबको मैं ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा, जिसके द्वारा भी चाहे आप शेयर करना, तो आप शेयर कर सकते हैं। सब खाना खाओ। हाँ
इंग्लिश जी क्या इंग्लिश एक माध्यम है, एक सेम है ये। बहुत लोड चल रहा है। चलो खुलने दी तो अटेंडेंस ले लिया जाए। काफी बड़ा नहीं, मैथ ही चल ही रहा है, बीसी वालों। और देखिए खुल गया होगा, वो टाइम लगेगा, टाइम ही लगेगा। हाँ बंद करना नहीं, वो तो कोई बंद नहीं करना है अभी, इसलिए नहीं बंद कर रहा। खुल ही नहीं रहा है, ये भी नहीं खुल रहा है। चलो लाइव अरे नहीं, वो चीजों बताना है, सोचा लाइव करा देंगे, अभी हमको निकलना भी है, देवरिया जा रहे हैं। करेंगे तो बहुत भयंकर है। अरे अभी राम देखो, अगर व्यवस्था हो जाए बहुत कर दो। तो राजा हो गया, कौन भैया राम हो गया, राजा राम मतलब राम बढ़िया चल रहा है कोचिंग वोचिंग उसका। जी देख रहा हूँ, वेट करने के लिए बोला हमने इसको। लिए क्या पता नहीं क्यों खोल नहीं रहा है यार, ये तो डिस्टर्ब हो गया। चलिए मीटिंग वाला को दिखा देंगे आपको, ठीक है। हाँ ठीक है, पर ही नहीं है, क्या किया जाएगा।